दिखाई दे रही ये तस्वीर दलित युवक संजय की है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसने एक मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह कर ताउम्र उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने संजोए थे, लेकिन धर्म और जाति के ठेकेदारों को ये प्रेम विवाह नागवार गुजरा। तीन नंबर दो दिन गयो, इन्हें रिपोर्ट नहीं लाई, मैं से नकल होने गयी, फिर दूसरे दिन उन्हें रिपोर्ट लाई है बेचारे ने, उन्हें मैं सुनवाई करी है, जब इन्हें भी लड़का मेरा समझे, आज 16 तारीख को गायब कराए इन्हें, हजरू और सलीम, सलीम को लेगा सलीम को घूमे चले गए, पहले शादी करी इन्हें कोर्ट में करी। मृतक संजय के परिजनों के मुताबिक संजय ने पड़ोस में रहने वाली एक मुस्लिम लड़की से घर से भागकर प्रेम विवाह कर लिया था और राजस्थान में दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली थी, लेकिन लड़की के परिजनों ने दबाव बनाकर दोनों का तलाक करा दिया। तब से ही संजय फरीदाबाद से बाहर रह रहा था। परिजनों का आरोप है कि खुद लड़की का भाई सलीम संजय को 16 अगस्त को घर से बुलाकर ले गया, तब से संजय घर वापस नहीं लौटा, जिसकी शिकायत उन्होंने 3 नंबर पुलिस चौकी में की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और 6ठे दिन संजय का शव जंगलों में मिला है। साफ चाहिए हमें, किस चीज के लिए? हमारे लड़के को आज इन्होंने आज काट के वहाँ पे फेंक दिया है, बंद में तीसरे बंजर में आज लड़के को पाया हमने, आज 6 दिन, आज 6ठा दिन है आज लड़के को। पुलिस को 19 अगस्त को युवक के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद केस रजिस्टर कर कार्रवाई की जा रही थी और इसी दौरान संजय का शव बरामद हुआ। संजय के परिजनों ने लड़की के भाई पर संजय की हत्या का आरोप लगाया है, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो भी मामला सामने आएगा उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संजय नाम का एक लड़का था जो मेरे कॉलोनी में रहता था, इसने एक साल के करीब पहले एक लड़की से शादी की हुई थी राजस्थान में जाकर, और हमारे पास इसकी सूचना 19 अगस्त को मिली थी, जो हमने इसका केस रजिस्टर कर दिया था, आज इसकी डेड बॉडी बरामद हुई थी। कई आरोप है, जो लड़की का भाई था शायद वही उसको बुला के ले गया, क्योंकि उसको भी अभी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और अब जो उसको कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और परिजनों के आरोपों के आधार पर गिरफ्तारी की और पूछताछ जारी है, ताकि हत्या के बारे में कुछ सुराग लग सके।